हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोमा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो जहाँ भी जाती हर कोई उसका दीवाना हो जाता था, जिसके चलते उसे अपने सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। उसके परिवार में उसके पिता रमेश और माँ गौरी थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन रोमा टिप टॉप होकर अपने कॉलेज जाती है। वहाँ उसको एक राहुल नाम का बहुत ही सीधा साधा लड़का रोकता है और कहता है, हे रोमा, मुझे कुछ कहना है तुमसे। क्या है बोलो। आई लव यू रोमा। हेलो, जमीन पे आओ मिस्टर, शक्ल देखो पहले अपनी। यार प्लीज मान जाओ, तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा ना। ओके बेबी, ठीक है, लेकिन सोच लो, रोमा को गर्लफ्रेंड बनाना यानी आग से खेलना है। तुम्हारे लिए तो मैं आग से खेल लूँ, तुम कहो तो चांद तारे तोड़ लाऊं। बस इतना ही काफी है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और रोमा आए दिन राहुल से कभी शॉपिंग की डिमांड करती तो कभी महंगे महंगे गिफ्ट्स लेती। ऐसे ही एक रात दोनों गोल कर रहे होते हैं कि तभी रोमा राहुल से कहती है, बेबी तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। बहुत सारा, जितना कि तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। तो तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। वो सब कुछ जिससे तुम्हें सिर्फ खुशी मिले। अच्छा ठीक है, तो फिर अभी आजमा लेती हूँ। ठीक है। तुम मुझे गर्ल्स की शॉर्ट ड्रेस पहन के, मेकअप करके, हॉट सा डांस करते हुए वीडियो बनाकर भेजो। क्या पागल हो गई हो क्या? अभी तो कह रहे थे कि कुछ भी करोगे, बस निकल गई हवा, इतनी ही थी तुम्हारी आश की। अच्छा वेट वेट, मैं अभी करता हूँ। कुछ देर बाद राहुल अपना एक वीडियो बनाकर रोमा को भेज देता है। अगली सुबह कॉलेज में जब वो जाता है तो सभी लोग उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि रोमा ने उसका वो वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड जो कर दिया था। राहुल जब इंटरनेट पर अपनी ये वीडियो देखता है तो वो हैरान हो जाता है और गुस्से से तिलमिलाता हुआ रोमा के पास जाता है। ये सब क्या है रोमा, क्यों क्यों किया तुमने ये सब? अपने मजे के लिए डार्लिंग। बकवास बंद करो, तुमने अपने मजाक के चलते मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। तुम तो प्यार करती हो ना मुझे, बोलो बोलो क्या किया ये सब तुमने? एक्सक्यूज मी, सपने से बाहर आ जाओ मिस्टर, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। तुमने मुझे कहीं का मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, यही सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, ओ आई मीन टू से इज्जत। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, राहुल अब डिप्रेशन में रहने लगता है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। रोमा एक बहुत ही अमीर वीर नाम के लड़के से शादी कर लेती है और मुंबई में शिफ्ट हो जाती है। वीर अपने काम के सिलसिले में वहाँ से कहीं बाहर चला जाता है। एक दिन रोमा के फेसबुक पर नमन नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं। नमन रोमा के करीब आने के लिए उसके सामने वाला घर खरीद कर उसका पड़ोसी बन जाता है। ऐसे ही एक रात नमन रोमा को फोन करता है और उससे कहता है, हे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस लेटी हूँ, अपने पति की कमी महसूस कर रही हूँ। तो जब तक क्या मैं तुम्हारे बेडरूम में आ जाऊँ? कभी इस दीवाने को भी मौका दो अपना प्यार दिखाने का। अच्छा जी, वैसे रोमा के दीवानों की कमी नहीं है, पर तुम कुछ खास ही लग रहे हो। अच्छा जी, तो फिर इंतजार किसका है, बोलो अभी आ जाता हूँ। कुछ देर बाद नमन उसके बेडरूम में आ जाता है, जहाँ देखता है कि रोमा एक हॉट सी ड्रेस पहनकर उसका इंतजार कर रही है। नमन उसको देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। तभी रोमा उसके करीब आती है और कहती है, क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ है। अच्छा तुम्हें क्या हुआ मुझे देखकर? करके बताऊं या बोलकर? जैसे तुम्हारा दिल करे वैसे ही बता दो। तुम्हारा पति आ गया तो? ओ प्लीज, अभी मूड मत खराब करो उसका नाम लेके, इस टाइम को एंजॉय करो ना। क्यों,
तुम्हें उससे प्यार नहीं? रोमा कभी किसी से प्यार नहीं करती, मैं तो सिर्फ वीर के पैसों से प्यार करती हूँ। दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर खो जाते हैं। साथ ही नमन रोमा की सारी बातों को रिकॉर्ड भी कर लेता है। वक्त बीतता जाता है और दोनों की नजदीकियाँ और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। एक दिन नमन रोमा को फोन करता है और उससे कहता है, हे जानेमन, मेरा पति वापस आ चुका है, मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकती। बेटा तुम बात भी करोगी और जो मैं बोलूँगा वो भी करोगी। तुम्हारे फोन पे एक वीडियो भेजा है, देख लेना जरा। रोमा जैसे ही अपने फोन पर वो वीडियो देखती है, उसमें अपने और नमन के साथ बिताए हुए वो सारे पल होते हैं। ये सब देखकर रोमा की तो होश ही उड़ जाते हैं और वो गुस्से से नमन को फोन करती है और कहती है, ये सब क्या है नमन? तुम और मैं और क्या है? छी, कितने गिरे हुए हो तुम। मैं तो ऐसा ही हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या चाहते हो मुझसे? रात को वीडियो कॉल करना, तब बताता हूँ। ऐसे ही रात हो जाती है और रोमा नमन को वीडियो कॉल करती है और उससे कहती है, क्या कहना है तुम्हें, बोलो। अपनी एक शॉर्ट ड्रेस पहनो और हॉट सा डांस करके दिखाओ और फटाफट मुझे वीडियो भेजो। ये सुनते ही रोमा को राहुल की याद आ जाती है, जिसके बाद वो नमन से कहती है, मैं ये सब नहीं करूँगी। अभी ये वीडियो भेजो तुम्हारे पति को। नहीं, मैं भेजती हूँ। कुछ देर बाद रोमा वीडियो बनाकर नमन को भेज देती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन उसके पति वीर के फोन पर व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से वीडियो आता है और वो वही वीडियो होता है जो रोमा ने नमन को भेजा था, जिसे देखकर वीर गुस्से से लाल पीला हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ये देखो क्या है ये? ये वीडियो तो मैंने ही आपको भेजा था ताकि आपका मूड चेंज हो जाए। तो नंबर बदल कर क्यों भेजा? हाँ, क्योंकि मेरे दूसरे नंबर पर ना नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, इसलिए नया नंबर लिया है मैंने। तभी वहाँ नमन आ जाता है और बोलता है, झूठ बोल रही है आपकी बीवी, वो वीडियो आपकी बीवी ने नहीं बल्कि मैंने भेजा है। रोमा कौन है ये? रोमा तुमने बताया नहीं, चलो मैं बता देता हूँ, मैं नमन हूँ, आपका पड़ोसी और आपकी बीवी का आशिक, और ये वीडियो आपकी बीवी ने मेरे मनोरंजन के लिए भेजी है, और भी है कहो तो अभी दिखा दूँ। क्या बकवास कर रहा है वीर, ये झूठ बोल रहा है। अरे मैं तो इसे जानती तक नहीं। हेलो मिस्टर, शर्म नहीं आती तुम्हें किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आई एक लड़की हो के किसी सीधे साधे लड़के की इज्जत का मजाक बनाती हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि क्या बिगाड़ा था मेरे छोटे भाई ने, राहुल तुमसे इतना प्यार करता था और तुमने उसके साथ ये सब किया। तब नमन वीर को रोमा की सारी असलियत बताता है, साथ ही उसे वो ऑडियो क्लिप भी दिखाता है जो उसने उस रात रिकॉर्ड किया था। इस सब के बाद वीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोमा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। अरे शर्म नहीं आई तुम्हें किसी की जिंदगी बर्बाद करते हुए, औरत के नाम पर कलंक हो तुम। वीर पुलिस को कॉल करता है। कुछ ही देर में पुलिस आकर रोमा को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाती है। साथ ही नमन भी अपने भाई की मौत का बदला पूरा करता है और रोमा सारी उम्र अपने पछतावे की आग में जलती रहती है। और इस तरह उसे ये बात समझ आ जाती है कि हमें किसी का भी इतना ज्यादा और इस कदर मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम पर बीतती है तभी हमें समझ आता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये पड़ोसन की ब्लैकमेलिंग? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो लोगों का इस कदर मजाक बनाती हो? तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।